हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल यश सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ग्रुप 16, 17 और 18 पे अपनी 11 पार्ट बना चुके हैं। आज ये 12 पार्ट है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को पूरी देखिए, और अगर आप ऑलरेडी सारे पार्ट देख चुके हो तो अपनी नोट और पेन के साथ रेडी रहें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरीन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्लोरीन जिसे जो कि एलिमेंटल फॉर्म में होता है Cl2 के फॉर्म में, ठीक है, इसके बारे में। क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय शील, जी हाँ, अ जर्मन स्वेडिश केमिस्ट। ये जर्मन स्वेडिश केमिस्ट थे जिन्होंने 1774 में MnO2 को HCl के रिएक्शन से Cl2 को प्रोड्यूस करके दिखाया था। और फिर 1810 में डेवी नाम के साइंटिस्ट ने इसका एलिमेंटरी नेचर बताया। एलिमेंटरी मतलब दो क्लोरीन एटम मिलके एक साथ रहते हैं, ठीक है। और क्लोरीन का नाम क्लोरीन उसके कलर के वजह से आया। क्लोरस मतलब येलोइश ग्रीन, तो क्लोरीन जो गैस होती है इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। तो याद रखिएगा, इसकी डिस्कवरी शील ने की थी, बट इसका नामकरण जो है वो डेवी ने किया था। अब ये बनाते कैसे? तो क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? ऑक्सीडेशन से। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है? जी हाँ, यहाँ पे देखिए MnO2 है, उसका रिएक्शन HCl से हुआ। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया? 0। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई? बढ़ोतरी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। वहीं पर आप Mn देखें तो Mn यहाँ पे था +4, और +4 से किस में आ गया? +2। तो जी हाँ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो HCl का ऑक्सीडेशन हुआ और MnO2 का रिडक्शन हुआ, और इससे बना क्लोरीन गैस। दूसरा देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और क्लोरीन फिर वही -1। क्यों क्लोरीन -1? क्योंकि हाइड्रोजन का +1, ठीक है। आप ये एक्स वाले मेथड से ढूंढेंगे तो भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए KMnO4, ठीक है, इसमें Mn का ले लेते हैं एक्स, प्लस पोटेशियम इज ऑलवेज +1, और +4 इंटू एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0। क्यों 0? ये पूरा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये पूरा क्या है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x+1 -8 = 0, सो x = +7। तो ये देखिए ऐसे भी आ गया, या फिर आप स्ट्रक्चर बना के भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो Mn है वो कन्वर्ट हो गया MnCl2 में, मतलब +2 में। तो देखिए कैसे +7 से ये +2 में आ गया, और जो क्लोरीन है वो -1 से 0 में आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन है, और इसे रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है बैलेंस करके, ठीक है। तो चलिए इसके बैलेंसिंग को भी हम एक बार देख लेते हैं, ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये था KMnO4 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस KCl प्लस H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे अगर आप Mn देखें तो Mn था +7, और यहाँ पे आप क्लोरीन देखें तो ये क्लोरीन था -1, ठीक है। तो Mn +7 से कितना हो गया? यहाँ पे +2, मतलब Mn में टोटल कितने की कमी आ गई? जी हाँ, +7 से हो गया ये +2, मतलब टोटल 5 ऑक्सीडेशन नंबर से कमी हो गई, ठीक है। और वहीं पे अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन -1 से यहाँ पे 0 आ गया है। कितना आ गया है? 0, मतलब सिंपली पहले तो यहाँ पे क्लोरीन जो देखे तो -1 है, और -1 से कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 की। कितने की? 1 की। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्लोरीन है, तो 2 का कितना हो गया? जी 2 का 0 हो गया, ओके। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर आप उससे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो शायद ऐसे हो सकता है कि आपको थोड़ा
थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो। सो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप पहले इसे इवन करने की कोशिश कर लीजिए। जैसे MN है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं KCl जो है ये ऑड है, तो KCl को इवन करने के लिए यहाँ पे मैं दो लगा देता हूँ, तो ये दो हो गया। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पे MN कितना हो गया, MN यहाँ पे दो, यहाँ पे भी एक है, तो ये दो, तो ये दो, ये दो, ठीक है, और यहाँ पे Cl2। अब हमें यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना होगा। अगर मैं HCl को एक जगह पे दो लिखता हूँ तो सिर्फ दो क्लोरीन आएंगे, ऑब्वियसली ये बैलेंस नहीं होगा। अगर राइट हैंड साइड में आप देखें तो 2 × 4, 4 × 6, 6 × 8, 8 HCl है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रख देता हूँ, तो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रखना होगा। और अगर 4 हाइड्रोजन रखता हूँ तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन 4 होंगे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है। तो सिंपल सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑक्सीजन 8 है तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, जी हाँ 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8, ठीक है, ये क्या हो गया 8 ऑक्सीजन। अब जरा देखिए, अब अपने आप ये बैलेंस होते जाएगा, 8 × 16, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 16। अब उस हिसाब से हम क्लोरीन को राइट हैंड साइड में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितने हो गए 16, 2 × 4, 2 × 4, यहाँ पे 4 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो एक भी क्लोरीन नहीं है, तो टोटल 4 × 6 क्लोरीन है। तो हमें और कितने क्लोरीन चाहिए, जी हाँ 10, तो इसे मैं क्या कर देता हूँ 5। देखिए ये बैलेंस हो गया होपफुली, ठीक है, आप इसे क्रॉस चेक कर लेना। तो ऐसे बैलेंस करते हैं, पहले आपको क्या करना है, जो ऑड स्पीशीज दिख रही है उसको इवन कर लीजिए, और जो ऐसे एलिमेंटल फॉर्म में है उन्हें आप ध्यान रखना, उनके आगे आप ऐसे कोई भी डिजिट लगा के बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रिएक्शन को। अब नेक्स्ट मेथड है, क्लोरीन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ठीक है। ये देखिए NaCl, H2SO4, NaHSO4 प्लस HCl, और फिर MnO2 का HCl के साथ रिएक्शन MnCl2, H2ONCl2, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, NaCl प्लस MnO2 गिव्स H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस MnCl2, H2ONCl2। यहाँ पे क्लोरीन देखें तो -1 है, और यहाँ पे MnO2 देखें तो +4 है। अब यहाँ पे Mn देखिए क्या हो गया +2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 0। तो क्लोरीन का क्या हुआ, जी हाँ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ, और Mn का क्या हो गया रिडक्शन। Mn देखिए कैसे +4 से +2 पे आ गया। अब देखते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, ओके, नेम रिएक्शन, नेम प्रोसेस है, दैट इज डिकॉन प्रोसेस। डिकॉन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको बताया था। और हम बेसिकली देखने वाले हैं अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब क्लोरीन को ज़्यादा अमाउंट में बनाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हैं। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, याद रखिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और दूसरा जो ये कैटलिस्ट है जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, याद रखिए क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यों क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि इसमें कॉपर जो है वो +2 स्टेट में, कौन से स्टेट में है +2, और कौन से टेम्परेचर पे 723, तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड, और ये 723 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे क्लोरीन -1, यहाँ पे क्लोरीन 0, ठीक है। और ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, H2O, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, जी हाँ रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, और क्लोरीन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरह से ये रिएक्शन हुई, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिकॉन प्रोसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैटलिस्ट भी याद रखना है प्लस टेम्परेचर भी साथ ही साथ याद रखना है। और दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जिसे हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट कैथोड, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मड एज कैथोड। अब ये रिएक्शन ऐसे क्यों होता है, तो देखिए हमें एक चीज हमेशा याद रखना होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये देखिए Cl एक इलेक्ट्रॉन -1 से 0 हो गया, और ये फिर दो क्लोरीन आइटम ने मिलकर क्या दे दिया Cl2, तो क्लोरीन यहाँ पे -1 था, और -1 से क्या हो गया यहाँ पे क्लोरीन 0, मतलब ये क्लोरीन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई बढ़ोतरी।
और ये H2O ने दो इलेक्ट्रॉन लिया, H2 और OH माइनस बताया, और ये Na प्लस OH माइनस NaOH दे देता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे वाटर कैसे आया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब क्या, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है मतलब NaCl ज़्यादा क्वान्टिटी में, लेकिन उसमें वाटर भी है। अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl का, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का, तो उसमें आपके पास होता क्या है, Na प्लस Cl माइनस और होता है H2, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो पहला जो रिएक्शन होता है वो एनोड पे होता है, ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हम सब जानते हैं सोडियम ऑलरेडी उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सोडियम का तो होगा नहीं। अब दूसरी चीज़, अगर ऑक्सीडेशन होना है तो होना किसका है, तो क्लोरीन का होता है, सी एल माइनस बिकम्स सी एल टू प्लस टू ई माइनस, ठीक है, टू क्लोरीन माइनस गिव सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, या फिर और किसका हो सकता है, H2O का। ओके, H2O कैसे हो जाएगा, 2H प्लस प्लस हाफ ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ऐसे। बट ये रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन का जो पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कम होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड का ज़्यादा होता है, ये हम पढ़ते हैं ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो सकती है, तो आपको मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी, तो क्लोराइड आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में, वाटर की टेंडेंसी जो है वो कम है, तो ये रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कैथोड पे कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम देखने वाले हैं कैथोड पे कैसे रिएक्शन होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैथोड पे जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन भी कहाँ, किसका किसका हो सकता है, जी हाँ, Na प्लस प्लस ई माइनस गिव्स Na, और फिर H2O प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस OH माइनस, H2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH माइनस, ठीक है। बट आप देख रहे हैं H2O का नंबर यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 3 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हाफ H2 प्लस OH माइनस। तो अगर इस रिएक्शन में देखें, ये ऊपर वाले में देखें, तो ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन किसका होता है, जी हाँ, ऑक्सीजन का, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हुई, ठीक उसी तरह यहाँ पे रिडक्शन किसका होता है, यहाँ पे रिडक्शन किसका होता है, जी हाँ, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन किस में होता है, प्लस में, और यहाँ पे हाइड्रोजन जाके क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे एक्चुअल में वाटर में भी H का रिडक्शन होता है। अब ये जो रिएक्शन है कैथोड पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाना, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही लो होता है, मतलब इसके रिड्यूस होने का चांसेस काफी कम है, जबकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब इस रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा है, पोटेंशियल मतलब चांस, मतलब Na प्लस प्लस ई माइनस जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, मतलब Na प्लस से Na0 ये रिएक्शन जल्दी होने वाला नहीं है। तो ये सेकेंड वाला रिएक्शन होता है, और सेकेंड वाले रिएक्शन में आप देख रहे हैं क्या क्या बन रहा है, जी हाँ, OH माइनस आयन बन रहा है, ओके, और यही OH माइनस आयन ये जो सोल्यूशन के अंदर रह जाता है उसी Na प्लस से कम्बाइन हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, यहाँ पे ये जो एनोड है उस पर जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है, जी हाँ, क्लोरीन, और साथ ही साथ कैथोड पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये देखिए कौन सी गैस, हाइड्रोजन, बट यहाँ पे तो सर एक मोल हाइड्रोजन निकली है, जी हाँ, आप चाहें तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो देखिए, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा था, एक्चुअल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक मोल हो जाएगा और ये 2 OH- आ जाएगा, ठीक है,
ऐसे हो जाता है, तो ये एक मोलार। तो ये बकायदा डिटेल एक्सप्लेनेशन था कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द्वारा ये रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो क्लोरीन की प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येल्लो कलर की गैस होती है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये पंजेंट प्लस सफोकेटिंग भी होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पंजेंट? इफ यू हैव बीन एवर इनटू द प्राइवेट यूरिनल्स, ओके सॉरी मैंने प्राइवेट बोल दिया जबकि पब्लिक बोलना चाहिए मुझे, प्राइवेट तो काफ़ी क्लीन होते हैं। इफ़ यू हैव बीन टू पब्लिक यूरिनल्स लाइक हमारे स्टेशन पे या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो होते हैं जनरली, उसमें आप जाएंगे तो आपके नाक में झुंझुनाहट होगी, एक अलग सी फीलिंग आती है, उसे ही कहते हैं पंजेंट। एंड द सेकेंड वन काम सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स यू विल फाइंड प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। तो क्लोरीन गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं, दैट इज द सफोकेटिंग वन। इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, जी हाँ क्लोरीन पॉइजनस भी होती है, और आप लोगों ने ज़रूर फील किया होगा क्लोरीन गैस को जब आपने कहीं पे ब्लीचिंग पाउडर को स्प्रेड किया होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर से भी यही गैस प्रोड्यूस होती है। ओके पॉइजनस भी होती है ये, इट कैन ईजिली लिक्विफाइड इंटू अ ग्रीनिश येल्लो लिक्विड विच बॉइल्स एट 293 केल्विन, मतलब इसे हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। ठीक है, आगे देखिए ये वाटर में डिजॉल्व होके क्या बना देता है, जी हाँ ये बना देता है क्लोरीन वाटर। और ये क्लोरीन वाटर क्या करता है, माइक्रोब्स को मार देता है। मैं उसका रिएक्शन भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये क्लोरीन है और ये H2O है, जैसे ही क्लोरीन वाटर में जाता है ये बना देता है HCl प्लस HOCl, और इसमें आप देखें तो ये जो HOCl है इसका नाम है हाइपो क्लोरस एसिड, क्या नाम है, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये क्लोरीन का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरीन जीरो है और आगे चल के यहाँ पे क्लोरीन प्लस वन हो जाता है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन माइनस वन हो जाता है, क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस वन और यहाँ पे क्लोरीन हो जाता है प्लस वन। तो सेम क्लोरीन जीरो से ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझा होगा। अब देखिए ये जो HOCl है ये टूट जाता है, HOCl क्या हो जाता है टूट जाता है, और ये बना देता है क्या, HOCl क्या बनाएगा जल्दी बताइए, HOCl टूट के क्या बनाएगा, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बना देगा ये, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये माइक्रोब की सेल वॉल को रप्चर कर देता है, तो उनके अंदर का जो भी मटेरियल होता है सब बाहर आ जाता है। तो बेसिकली यही सेम रिएक्शन स्विमिंग पूल में भी होता है, कहाँ पे होता है, स्विमिंग पूल में। और आपने सुना होगा कि स्विमिंग पूल के नहाने की वजह से जो स्किन है वो टैन हो जाती है, ठीक है, स्किन की टैनिंग हो जाती है, वो क्यों पता है, बेसिकली ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ये नेसेंट ऑक्सीजन पानी में रहता है और ये स्किन को काला कर देता है, मतलब स्किन से बेसिकली रिएक्ट करता है। तो ये था स्विमिंग पूल में क्लोरीन का रिएक्शन। अब आगे देखिए, इट इज़ 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर, हवा से क्लोरीन गैस 2 से 5 गुना ज़्यादा वजनदार होती है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो ये देखिए मेटल के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन हमेशा क्या बनाती है, क्लोराइड, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा सब में, देखिए ओके ये सब में क्या है, जी हाँ -1, एल्यूमिनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एंड एफ ई क्लोराइड। अब ये ए एल सी एल 3 क्यों बना, क्योंकि इसमें ए एल 3+ होता है और सी एल -1, एन ए प्लस सी एल माइनस, एफ ई 3+ है और सी एल माइनस है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे यही लिया गया है, इवन एम जी भी ले लेंगे तो एम जी सी एल 2 बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं, बट ये कुछ बेसिक्स ही दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल टू फॉर्म देयर क्लोराइड्स। तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस है सल्फर है दोनों क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉस्फोरस ने कौन सा बनाया है, फॉस्फोरस ने कौन सा बनाया, जी फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ओके फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। और इसका जो स्ट्रक्चर है और जो बॉन्डिंग है वो सब कुछ डिटेल में है, उसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और ये भी है, इसका नाम है मोनो सल्फर क्लोराइड, क्या नाम है इसका, मोनोसल्फर क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ
मोनोसल्फर क्लोराइड का, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ये सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। जी हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये मोनोसल्फर का क्लोराइड। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, 6। इसीलिए ये 1, 2, 3, 4, ओके, और ये 5 और ये 6। ठीक उसी तरह ये सल्फर का भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जी हाँ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और ये बॉन्ड बनने के बाद क्लोरीन का ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये मोनोसल्फर क्लोराइड का स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिटेल में। अब आगे देखिए, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। क्लोरीन हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन को बहुत पसंद करता है, ओके, और बहुत ही जल्दी रिएक्ट हो जाता है उससे। ठीक है, और कौन सा कंपाउंड बना देता है? HCl। ये देखिए, H2+Cl2 गिव्स HCl, H2+Cl2 H2S, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, ये HCl और सल्फर दे देता है। अब इसमें देखिए क्लोरीन का क्या हुआ, 0 से -1 रिडक्शन, और सल्फर -2 से क्या हो गया? जी हाँ, 0। तो सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे देखिए, रिएक्शन विद NH3। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे मार्क कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया। क्लोरीन वेंट रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। याद रखिए, यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में, कौन एक्सेस में? अमोनिया। तो आपको क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये आपकी एग्जाम में आएगा। एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है अब वो एक्सेस में है। पहले कौन एक्सेस में था? अमोनिया। अब कौन एक्सेस में है? क्लोरीन। और इसने क्या बना दिया? नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। और ये एक्सप्लोजिव है, ये फूटता है बम करके। तो आप याद रखिएगा, ये NCl3 एक्सप्लोजिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और आगे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, क्लोरीन की ये दो रिएक्शन मैं आपको, मैं बताऊं कि एंट्रेंस में मोर देन 10 टाइम्स आ चुकी है। अगर दोनों को मिला दूं तब तो 20 बार से ज़्यादा एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अल्कली के साथ क्लोरीन जब भी रिएक्ट होता है, दो कंडीशन में रिएक्ट होता है, जब अल्कली कोल्ड एंड डाइल्यूट हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट, या फिर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो पहले हम कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ देखते हैं ये वाला। तो देखिए, क्लोरीन रिएक्ट हुआ NaOH के साथ और उसने दे दिया NaCl और NaOCl, ठीक है, और प्लस ये क्या बना दिया? वाटर। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो यहाँ पे 0 था, 0 से ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, मतलब क्लोरीन क्या हो गया? जी हाँ, क्लोरीन चला गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। कौन से रिएक्शन में? डिसप्रोपोर्शनेशन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लोरीन 0 है, यहाँ पे -1 से इस पे क्लोरीन क्या हो गया? +5। चलिए हम ये कैसे बैलेंस करते हैं वो भी सिखा देते हैं। ये भी सेम रिएक्शन ऊपर वाले जैसा ही है। ये देखिए, CaCl2 और ये OCl2, मतलब इसमें जो CaOH ट्वाइस है ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है। याद रखिएगा, जब भी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा क्लोरीन अपने एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। याद रखना, दोनों कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में एक चीज कॉमन होती है कि क्लोरीन का -1 वाला कंपाउंड तो बनता ही बनता है, बट एक बनता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर। जैसे कि अगर कोल्ड है और डाइल्यूट है तो +1 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में? +5। चलिए दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, कैसे वो देखते हैं। इसके लिए एक फ्रेश पेज ही ले लेते हैं। ओके, अब देखिए रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लेंगे अल्कली NaOH, हालांकि आप KOH भी ले सकते हो। और पहले मैं बताना चाहूंगा कि अल्कली वो होता है, ऐसे ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम कहते हैं अल्कली। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सर जो डिजॉल्व नहीं होते उसे क्या कहते हैं? जी, उनकी हम बात ही नहीं करते, उन्हें हम बेस ही कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस। उनके लिए कोई अलग नाम नहीं है। फिलहाल तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन की बैलेंसिंग, कैसे NaOH किससे रिएक्ट हो रहा है? क्लोरीन के साथ। और याद रखिए, यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये बना देगा NaCl और साथ ही साथ क्या बना देगा? NaOCl, ओके, और प्लस
H2O। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरीन जो था वो जीरो में था, और जीरो से किस में कन्वर्ट हो गया, -1, और यहाँ पे +1। तो अगर आप देखें तो जीरो से एक बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे भी एक ही बढ़ोतरी हुई है। जीरो से यहाँ पे भी कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कम हुई, जीरो से -1 मतलब एक की कमी हुई, और यहाँ पे एक से ही बढ़ा। तो मतलब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। कुछ स्पीशीज है जिसे हमने देखना होगा अदर देन क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन तो दो हो ही चुके हैं, तो सोडियम अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सोडियम एक, यहाँ पे सोडियम एक, तो सोडियम को मैं 2 कर देता हूँ। देखिए अपने आप बैलेंस हो गया। वाह क्या ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है। आगे देखिए, अब मैं ले लेता हूँ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। क्या ले लूंगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये ले लिया मैंने NaOH। अब ये कौन से कंडीशन में है, जी हाँ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से ये जो है क्लोरीन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl+NaClO3+H2O। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे H2O को इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो H2O है ये रिएक्शन को बैलेंस करवाता है। देखिए कैसे, ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या बना दिया, Cl O3-, और यहाँ पे जी हाँ मैं उनके आयन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बना दिया, Cl-। इसका नाम है क्लोरेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरेट। और इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जी हाँ +5। ओके, तो अगर आपको ये नाम जानना है कि ये नाम कैसे हैं, तो आप ऊपर आए बटन में जाके नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे जीरो था, और जीरो से क्या हो गया, -1। क्लोरीन यहाँ पे जीरो, जीरो से कितना, +5। सर ये +5 कैसे आया, जी क्लोरीन का एक्स ले लीजिए, और तीन ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का -2, और टोटल -1। 3 - 6 = -1, x = +5। शाबाश, आ गया हमें। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे 5 की बढ़ोतरी हो रही है, एक से कम हो रहा है, मतलब टोटल अगर ये एक से कम हो रहा है और ये 5 से बढ़ रहा है, तो ये कम भी कितने से होना चाहिए, जी हाँ 5 से। तो इस वाले जो रिएक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। तो ये देखिए सोडियम कितने हो गए टोटल, ये 5 और ये एक 6। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 6 लिखना होगा। और जैसे ही मैं 6 लिखता हूँ, देखिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। ओके, और आप क्लोरीन को देखिए, आप किसे देखिए, क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, जी हाँ एक 5 और ये एक 6। ओ, 6 तो टोटल क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी हाँ यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। जरा चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। टोटल हाइड्रोजन के नंबर 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन भी 6 हो गए। ओके, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन टोटल मेरे को बैलेंस दिख रहा है। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 NaCl, 1 NaCl3 और 3 H2O। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग का तरीका। तो पहले वाले में जो आयन बना था ये OCl- था। देखिए यहाँ पे एक गलती क्या की इन्होंने, कंपाउंड के नाम नहीं दिए, सिर्फ एक ही बार नाम दे दिया है ऊपर, हाइपोक्लोराइड। ओके, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्लोराइड एंड क्लोरेट। तो याद रखिए एक क्लोरेट बनता है और एक हाइपोक्लोराइड बनता है। अब इसका इसका नाम हाइपोक्लोराइड क्यों है, तो क्योंकि क्योंकि ये सॉल्ट है हाइपोक्लोरस एसिड का, HOCl। जी हाँ इसे हम कहते हैं हाइपो क्लोरस एसिड। और मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी एसिड अस नाम के होते हैं, जितने भी एसिड अस नाम के होते हैं, उनके सॉल्ट में ITE आ जाता है। क्या आ जाता है, ITE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा NaOCl का, जी हाँ इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपो क्लोराइट। क्या आ जाएगा, डी, नहीं डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सोडियम हाइपो क्लोराइट। तो सर पहले वाले में क्लोराइड क्यों आया इसमें, जी हाँ ये हाइड्रा एसिड का अनायन है। ये किसका है, हाइड्रा एसिड का अनायन। हाइड्रा एसिड का जो अनायन होता है उनमें ऐसा नाम आता है ITE। वो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारी वीडियो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दी हुई है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है पूरे 12th स्टैंडर्ड का, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। आप सोच सकते हैं इसीलिए इस पे हमारी वीडियोज भी
ज़्यादा बन रही है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे दो ओ सी एल माइनस आयन बनाइए। चलिए इसे भी दिखा देते हैं, वरना कुछ बोलेंगे कि सर ने वो वाला पार्ट तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो यहाँ पे सी ए टू प्लस था और ये ओ सी एल माइनस था, तो ये दो हो गया, ये एक हो गया, तो ऐसे क्रॉस कर लीजिए, तो ये क्या बना देगा, जी हाँ सी ए ओ सी एल टू, बाकी सब कुछ ऊपर जैसा ही होगा, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ये वाला आयन बनेगा तब सी ए टू प्लस और सी एल ओ थ्री माइनस, तो ये क्या हो गया, दो और ये एक, फिर वापस ऐसे कर लीजिए, तो ये क्या बना देगा, सी ए सी एल ओ थ्री ट्वाइस। बड़ा ही सिंपल है, बट आपको याद रखना है कंडीशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्लोरीन की हम रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा है, अल्केन में क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें आप हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एंड विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट मतलब क्या, एक ये बॉन्ड सेंटर से टूट जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन सॉरी मैंने कार्बन के बदले कहीं और लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन पे लग जाएगा। और ये देखिए, तो बताइए ये विसिनल डायहैलाइड है कि जर्मिनल डायहैलाइड है, जी हाँ ये है विसिनल डायहैलाइड। क्या है, विसिनल डायहैलाइड। सर विसिनल टर्मिनल में फ़र्क कैसे पहचानेंगे, जी हाँ वी मतलब ऐसे एडजेसेंट वाले कार्बन पे, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, जर्मिनल मतलब दोनों दोनों जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे अटैच होंगे, और विसिनल में बगल बगल में, तो विसिनल जैसे ही आया पहले वी बना लीजिए। और ये देखिए मिथेन का रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंस में, इसने बनाया मिथेन क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस। तो आपको याद रखना होगा इसमें हमको मिथेन को एक्सेस में लेना होगा, किसमें लेना होगा, एक्सेस में। अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो आपको सी सी एल फोर मिल जाएगा। ये सब कुछ हमने 11th में पढ़ा था, और सी सी एल फोर को हम कहते हैं पायरीन। और पायरीन क्या करता है, जी हाँ पायरीन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। सर इसमें लाइट क्यों ली गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूवी लाइट जो है वो काम करती है फ्री रेडिकल प्रोडक्शन का, मतलब ये फ्री रेडिकल बनाती है, और ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, जो हम 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये फ्री रेडिकल के जगह पे आप पेरोक्साइड भी ले सकते हैं या फिर आप हीट ले सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाना है तो आप यूवी लाइट ले लीजिए, या फिर इसके बदले हाई टेम्परेचर मतलब हीट ला दीजिए, या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराइए। पेरोक्साइड भी फ्री रेडिकल ही जनरेट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जी हाँ किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। ये देखिए ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट, फेरस सॉल्ट मतलब यहाँ पे +2 है और यहाँ पे क्या हो गया +3, ठीक है, और खुद देखिए -1 सॉरी 0 से क्या हो गया -1। याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है। इसके लिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो आपका साथ हमेशा देगी, क्या, ऑयल रिक। ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑयल रिक। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आगे क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस एंड रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस एंड रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज। ये डायलॉग आप याद रखना, ओके। ये सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है, देखिए ये क्लोरीन है और यहाँ पे ये सल्फेट बन गया, यहाँ पे सल्फर जो था वो +4 में था और यहाँ पे सल्फर किस में आ गया, जी हाँ +6 में, और क्लोरीन जो था वो 0 से किस में आ गया, -1। इसे भी हम बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के मेथड से। अब आगे देखिए, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड आयोडीन टू आयोडेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ये देखिए एसओ टू और ये सी एल टू, ठीक है, एसओ टू को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसओ थ्री में, और एसओ थ्री को जब आप पानी में डालोगे तो वो क्या बना देगा, H2SO4, क्योंकि एसओ थ्री में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और H2SO4 में भी क्या है, +6, और ये HCl। ठीक उसी तरह से आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, आयोडिक एसिड, ठीक है। ये देखिए HIO3, HIO3, इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जी हाँ इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है, आप याद रखिएगा ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, आयोडिक एसिड।
अब नेक्स्ट हम क्लोरीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग मतलब कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस बना देता है, मतलब उनका कलर निकाल देता है। क्लोरीन रिक्वायर्स मॉइस्चर फॉर ब्लीचिंग। ये देखिए ये वाला रिएक्शन आपने ऊपर देखा होगा, सेम जो मैंने आपको बता दिया था। क्लोरीन ब्लीचेज वेजिटेबल मैटर और कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू कलरलेस मैटर। मतलब अगर आपने आपका कोई रेड कलर का कपड़ा क्लोरीन में धो दिया तो सिंपल उसका रेड कलर कम्प्लीटली खराब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा और वो वाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। यही ब्लीचिंग पाउडर है। और आप सबको पता भी है कि हम क्लोरीनेशन भी करते हैं स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाल के, जिससे नेसेंट ऑक्सीजन बनता है और वो माइक्रोब की सेल वॉल को रप्चर कर देता है। आगे देखिए यूजेज ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये तो हम सब जानते हैं, बीएमसी हमारे यहाँ करवाती है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयॉन, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल। यहाँ पे भी वुड पल्प आपको पता होगा, बैम्बू से हम पेपर बनाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्लोरीन का यूज़ होता है। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। जी हाँ, गोल्ड और प्लैटिनम को हम उनके क्लोराइड के फॉर्म में क्लोराइड के फॉर्म में बना के निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, CHCl3 एंड DDT और डिटर्जेंट। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज का क्वेश्चन है, आपको DDT का फुल फॉर्म बताना है। ओके, DDT का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप बता देते हो मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज है, क्योंकि 11th में हमने ये पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। आगे देखिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस सच एज फॉस्जीन। जी हाँ, CuCl2, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CuCl2। और फिर आता है नेक्स्ट टीयर गैस CCl3NO2। जी हाँ, ये CCl CL CL और यहाँ पे ये NO2, ठीक है। और उसके बाद मस्टर्ड गैस, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस। इसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल है, आप भी बना लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। अब देखिए, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। जी हाँ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन के लिए नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, वही वही सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस हो जाता है। नेम द टू गैसेस यूज इन वॉर। देखिए ऊपर ही लिखी हुई है, फॉस्जीन है, टीयर गैस, दो तो ऊपर ही हो गई, और क्या चाहिए, ठीक है। डू यू नो ब्लीचिंग ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, मतलब एक बार जब कलर उड़ गया तो वो उड़ जाता है, ठीक है, कॉटन फैब्रिक या फिर वुड पल्प या फिर लिटमस इनका। हाउएवर क्लोरीन इज नॉट यूज टू ब्लीच डेलिकेट मटीरियल सच एज सिल्क एंड वुल, एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस ड्यूल एक्शन विल डैमेज द बेस मटीरियल। मतलब अगर कुछ जैसे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे सिल्क और वुल है, उनके ब्लीचिंग के लिए हम क्लोरीन को नहीं यूज़ करते, क्योंकि उनके स्ट्रेंथ को ये कम कर देता है। तो अब इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा ब्लीचिंग एजेंट है जिसकी ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, ये आपको मुझे बताना है। मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए कलर तो वैनिश कराता है वो, बट वापस जो कलर है वो आ जाता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आज के दो क्वेश्चन हैं, आज के जो क्वेश्चन हैं वो दो हैं, ठीक है। अभी जो मैंने पूछा वो दूसरा क्वेश्चन था, और याद है आपको पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, बताइए जल्दी। दो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, ठीक है। तो आई होप आपको ज़रूर याद होगा और आप हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे, और मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपको ज़रूर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स, सो वेन एवर दे आर वॉचिंग द वीडियो दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।